शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के मधुपट्टी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिले, जिन्होंने गुरुवार को बागमती नदी में हुए नाव हादसे में अपने बच्चों को खोया है। चिराग पासवान ने इस नाव हादसे पर गहरा दुख प्रकट करते हुए इसके शिकार लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए इस घटना को प्रशासनिक विफलता का परिणाम बताया। चिराग पासवान ने सवालिया लहजे में कहा कि जिस राज्य में आज भी बच्चों को नाव से स्कूल जाना पड़ रहा है, वहां के विकास के दावे और सुशासन मॉडल को क्या स्वीकार कर उसकी तारीफ की जा सकती है। नीतीश कुमार उस दिन आए थे, लेकिन उन्होंने कोई इस घटना पर स्थल पर नहीं है, क्या लगता है? भाई पहली बात तो राजनीति से उठकर इस विषय को देखने की जरूरत है। अगर ये राजनीति में ही ये विषय उलझा रह गया तो पिछले 75 सालों से जो इस गांव का हाल है वो अगले 75 साल तक ऐसे ही रहेगा, और ऐसे ही हमारे बच्चे नाव में बैठकर सवार होकर उस तरफ जाते रहेंगे और आए दिन हादसे होते रहेंगे। ये कोई पहला हादसा नहीं है, और भगवान ना करे पुल बनने से पहले अगर कोई और हादसा होता है तो कोई राजनीतिक दल, कोई नेता अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाए। ये यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता है। भाई उस दिन बताइए, आप यहाँ बगल में थे, मुख्यमंत्री जी आपके आने से जो लोग गए हैं वो वापस नहीं आते, पर आपके आने से कम प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करता। आप आते, इन परिवारों को हौसला मिलता कि जो बच्चे बच गए हैं या जो परिवार अब रह गए हैं, कम से कम उनका भविष्य सुरक्षित होगा। क्यों? क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने हमें वादा किया कि यहाँ से पुल बनाएंगे। किस रवैये से उन्होंने अपनी बातों को रखा कि हाँ हम डीएम को बोल दिए, वो देख रहा है। भगवान ना करे एक बार कल को अगर आपके परिवार के साथ ऐसा हादसा हुआ होता, क्या उस वक्त भी आप यही बोलते मुख्यमंत्री जी? आपके एक अधिकारी पटना के 5-स्टार हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको देखने के लिए आप भागे भागे चले जाते, पर बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, एक परिवार से जाकर आप मिलना जरूरी नहीं समझते? और आज की यहाँ पे मांग कौन सी नाजायज मांग है? क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे सांसद, आप लोग के विधायक? क्यों नहीं भैया यहाँ पे बनाया जाता पुल? ये राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला ये विषय है, क्यों नहीं अभी तक यहाँ पे पुल का निर्माण किया गया? और पुल तो फिर भी एक कदम बाद में आता है, जिस कारण से यहाँ के लोगों को नदी पार करनी पड़ती है, उस कारण को क्यों नहीं हल किया गया? क्यों नहीं यहाँ पे विद्यालय बनवाया गया? क्यों बच्चे उस तरफ जाते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए? क्यों नहीं यहाँ पे विद्यालय है? क्यों नहीं यहाँ पर पीडीएस की दुकानें हैं? राशन लेने के लिए महिलाएं वहां पे जाने के लिए मजबूर है। क्यों नहीं यहाँ पे दुकानें खुलवाई गई? क्यों नहीं यहाँ पे विद्यालय खुलवाए गए? क्यों नहीं यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए गए? और इन तमाम चीजों के अभाव में इन लोगों को नदी पार कर उस तरफ जाना पड़ा, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। और आपकी सरकार के अभी तक किसी नेता, किसी विधायक, किसी मंत्री ने यहाँ पर आना तक जरूरी नहीं समझा। सत्ता पक्ष जिनके अधिकार क्षेत्र में ये पूरा विषय आता है, किसी ने एक बार आकर झांकना तक जरूरी नहीं समझा कि इन परिवारों का क्या हाल है। अभी सीएस से हमने बात की, यहाँ पे परिवारों के हालात देखिए, बेसुध होकर महिलाएं जस तस इधर उधर गिरी पड़ी हैं। कल को भगवान ना करे उन लोगों को कुछ हो जाए, क्या यहाँ पर एक 24 घंटे मेडिकल टीम नहीं रहनी चाहिए? अब तो खैर समय बहुत बीत गया, पर मान लीजिए कोई ऐसे ही ऐसा कोई बच्चा बचता जिसको तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती, क्या यहाँ पे उस वक्त मेडिकल टीम का होना अनिवार्य नहीं था? ऐसे में अभी तक गांव में एक मेडिकल टीम की व्यवस्था नहीं। ये ऐसी चीजें हैं जो तत्काल प्रभाव से, और ये इतने सेंसिटिव इशू हैं जिसको सरकार को, प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेकर करना चाहिए। इसके लिए किसी ग्रामीण को आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर आप सबके माध्यम से मैं सत्ताधारी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जात पात धर्म मजहब से उठकर इन लोगों की मदद की जाए, यहाँ पे तत्काल प्रभाव से तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, और जिसमें सर्वप्रथम पुल का निर्माण है, बिना कोई समय गवाए तुरंत यहाँ पे पुल के निर्माण का कार्य शुरू होना चाहिए। ये मांग मैं आप लोगों के माध्यम से, मैं लिखित रूप में भी राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी से, उनसे भी मैं ये मांग करूंगा, और साथ ही में जितनी वैकल्पिक व्यवस्थाएं यहाँ पर हो सकती है, तुरंत यहाँ पे राशन उपलब्ध हो उसकी व्यवस्था कराई जाए,
स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कराई जाए, उच्च विद्यालय की व्यवस्था यहाँ पर कराई जाए, और सबसे पहले जितने पीड़ित परिवार हैं उनको यहाँ पे हर संभव राहत दी जाए। एक परिवार में बूढ़ी माँ है, तीन छोटे छोटे बच्चे हैं और एक विधवा है जो कि शायद संभवतः ठीक से चीजों को समझ भी नहीं पा रही कि क्या हो रहा उनके साथ। उस परिवार के खाने कमाने वाला व्यक्ति चला गया, सोचिए कैसे अगले दिन के राशन का अब ये लोग इंतजाम करेंगे। तो कम से कम जो राहत सरकार के द्वारा मिल सकती है, पेंशन के माध्यम से हो, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हो, अभी मैं भी डीएम साहब से बात करूंगा, उनसे भी तमाम इन चीजों का आग्रह मौखिक लिखित दोनों करूंगा, पर साथ ही में आप लोगों के माध्यम से भी मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से जो राहत दी जा सकती है।